अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो गर्मी को बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि गर्मियों में बंदा टाइम ज़्यादा होता है, अपनी सब काम बंदा कर सकता है, सो भी सकता है और उसके अलावा कितने भी घर के काम काज या कुछ बाहर के काम कुम हो तो वो बंदा कर सकता है। तो अभी बच्चे आ गए हैं, पहले ये देखें मशीन पे बैठी हुई थी मैं, तो कपड़े सिलाई कर रही थी। अभी मैंने शर्ट सिलाई की है, डिजाइनिंग करके छोटे से बेबी की दिखाती हूँ। ये देखें मैंने छोटे से बेबी की शर्ट सिलाई की है। ये मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी है छोटी सी, उसके लिए ये मैंने शर्ट सिलाई की है। ये देखिए यहाँ पे पार्किंग का भी, और ये अभी इसके नीचे मैंने पजामा सिलाई की है। अभी कर ही रही थी तो बच्चे आ गए, अब ये मेरी जान खाई जा रहे हैं। जब तक ये नहीं आते ना तब तक मैं सुकून से बैठ के आराम से अपने कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, और ये जब आ जाते हैं इनका चीख चकाटा है और ऊपर से इन्होंने शोर मचाना होता है और कपड़े वगैरह इनको चेंज करवाने होते हैं तो बड़ा ये ना प्रॉब्लम। ये देखिए अब ये देखिए इनका हशर कर रहे हैं सारा। मेरे काके की आप लोगों ने कल बाल खींच दिए थे ना, उसकी रुई बाल उसकी गर्दन सांस उसका बंद हो जाएगा। ये देखें इसको हर वक्त हीरो बनने का शौक रहता है। अपने ड्रेस दिखाओ, शिकर दोपहर देखें इसने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है इतनी गर्मी में। ये देखें पैंट कोट, इसका हाल देखें आप। माफ कर दो तकियों को, सारे गंदे हो गए, रख दो। इतना बड़ा दिन होता है और आज तो वैसे भी 22 जून है, 22 जून तो सबसे बड़ा दिन होता है पूरे साल का। इसके बाद 22 जून के बाद वो हो जाता है, दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं और सर्दियां आ जाएगी। सर्दियां आ जाएगी और सर्दी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल ही नहीं पसंद, लेकिन फिर भी बस मेंटेन कर ही लेती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने वो मौसम बनाया है तो फिर उसे फेस तो करना ही पड़ेगा। ये देखें जहन चोट लग जानी है, बेड पहले ही टूटा हुआ बेचारा, वो देखो वहाँ से टूटा हुआ। ये देखें ये कल देख वाले चावल लेके आए थे तो आप उसका ना हशर नशर कर रहे हैं। ये देख लें इनका हाल, मैं क्या करूँ इनका। हमारी कॉलेज में जब मैं जाती रहती थी ना कॉलेज में कंप्यूटर क्लासेस के लिए, तो वहाँ पे हमारी मैम थी जो हमें सिखाती थी कंप्यूटर, वो जब तंग आ जाती थी ना तो वो कहती होती थी कि मैं आप लोगों को क्या करूँ। वो उनका ये डायलॉग मुझे बड़ा याद आता है, जब मतलब कि संडे होना या छुट्टी होती थी कभी तो मैंने मिस करना मैम को, दूसरे दिन जाके मैंने कहना कि मैम जी एक दफ़ा ये सब कह के बोलें कि मैं आप लोगों का क्या करूं, तो बड़ा अच्छा लगता था। अभी मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है, अल्लाह ताला उनको जॉब दे दे उनकी, मतलब कि जब हमारे पेपर हुए हैं तो उनकी जॉब
ख़त्म हो गई थी, तो बल्कि वो कॉलेज ही पूरा ख़त्म हो गया जिसने सीखा। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो थोड़ा लंबा होता, उसका टाइम 6 मंथ था, उसमें काफ़ी कुछ सीख गए हैं, लेकिन बहुत कुछ जो था वो रह गया, क्योंकि आपको पता है वो विजन चेंज होते रहते हैं, नई से नई चीज़ें आती हैं, तो कंप्यूटर को तो जितना बंदा सीखे उतना काम। तो चलो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सीख लिया, और प्रैक्टिस करने का भी फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि इस मोहतरमा से जान छूट गई, तो फिर अभी ईद आ रही है, ईद के लिए कपड़े सिलाई करने, अभी ये कुछ रहते हैं कपड़े सिलाई करने वाले, तो वो करके तो फिर उसके बाद ईद के कपड़े सिलाई करूँगी, और साथ साथ आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर इसे लाइक कर दिया करें, वरना कोई मुश्किल नहीं है, और अल्लाह ताला आपको खुश रखें। मेरी तो बातें ख़त्म होंगी नहीं, मेरी तो चलती ही रहती हैं, अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूं तो मैं बस बोलती ही जाती हूँ, अगर ना बोलूं तो बस फिर चुपती रहती हूँ। बाकी ये है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला मुझे भी खुश रखे, और मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे अल्लाह ताला, और आपको भी करे, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपको लोगों के लिए दुआएं करती रहती हूँ। बाकी वीडियो का एंड करती हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी और मेरा जो पैकेज होता है वो फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, दोबारा लगाना पड़ जाता है हफ्ते में अगर ख़त्म हो जाए, क्योंकि घर में वाईफाई वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जब अपना घर लूँगी तो फिर सारा सिस्टम करूँगी इंशाल्लाह, आपकी दुआओं से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।